अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा इबादत करने की, दुआएं करने की तौफीक दे, आमीन। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं चना चाट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके लिए हमने लिए हैं ये बूंदियाँ, हमने तैयार की थी, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है अपने चैनल पर। ये हैं भल्ले, इसकी भी रेसिपी दी हुई है मैंने, ज़रूर आप लोग देखें। ये हमने लिए हैं सलाद के पत्ते, ये लिए है प्याज, ये लिए हैं हमने थोड़ी सी गाजर बारीक बारीक को काट लिया, ये लिए हैं टमाटर, और चने बॉईल कर लिए हमने, और लोबिया लिया है, लच्छे वाले प्याज हैं, ये पापड़ियाँ हैं, और ये हैं मसाले जो हम इसमें डालेंगे। ये हमने सब्ज़ चटनी तैयार की है जो चाट में जाएगी, और ये हमने मीठी चटनी तैयार की हुई है पहले से, इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है अपने चैनल पे, ये जाएगी इसके अंदर। और मैंने बनाया हुआ है ये मसाला, ये अपना मसाला मैंने बनाया हुआ है चाट मसाले की तरह, ये दही भल्ले का डालने के लिए। तो चलिए जी अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये हमने नाज़रीन दो मीडियम साइज के लिए हैं आलू, इनको हमने कटिंग करके नमक और पानी में डाल के बॉईल कर लिया। तो चलिए अब हम इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे आलू, इसके बाद डालेंगे लोबिया, इसके बाद जाएंगे चने, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जाएगा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा ये सब्ज़ मसाला, और थोड़ा सा जाएगा ये मसाला जो मैंने तैयार किया है घर में। ऊपर डालेंगे लीमू, अब हम डालेंगे प्याज, अभी हमने गाजर रखी हुई थी, अब हम इसमें रखेंगे भल्ले, ये हमने पानी में रखे हुए थे डिप करके, नरम हो गए हैं अभी। इसके बाद जाएगा सलाद पत्ता, अब जाएगा ऊपर दही, मसाला डालेंगे, अब डालेंगे मीठी चटनी, अब जाएंगे इसके ऊपर टमाटर, अब जाएंगे इसके ऊपर ये लच्छेदार प्याज जो हमने काट के रखा हुआ था ठंडे पानी में, अब जाएंगे इसके ऊपर ये पकौड़ियाँ जो हमने बनाई थी बेसन की पकौड़ियाँ, अब इसके ऊपर जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, कुटी हुई मिर्च, सब्ज़ पत्ता, थोड़ा सा लीमू, और ऊपर आएगी हमारी पापड़ी, इसकी भी रेसिपी हमने डाली हुई है।
हो जाएगी रेड चटनी। तो ये हमारी नाज़रीन हो गई है तैयार चाट। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, और लाइक और शेयर करें। तो चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।